व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो चलिए आज बनाते हैं मज़ेदार हर दिल अजीज शाही मटन हलीम। मैंने इसकी रेसिपी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हलीम बनाने के लिए जिन दालों और गेहूँ की आपको ज़रूरत है वो हैं गंदम धुली हुई और छिलके के बगैर 5 टेबल स्पून, जो या बारले धुले हुए और छिलके के बगैर 1 टेबल स्पून। छिलके के बगैर मैं इसलिए कह रही हूँ कि ये डी हस्क हुए हुए हैं। चना दाल 3 टेबल स्पून, माश दाल 1 टेबल स्पून, मूंग दाल 1 टेबल स्पून, मसूर दाल 1 टेबल स्पून। ये सब दालें छिलकों के बगैर होनी चाहिए। राइस 1 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने ये दालें दिखा रही हूँ आपको, ये दालें मैंने इस तरीके से ली थी और राइस को और इन सब दालों को यहाँ पर मैंने ओवरनाइट भिगोकर रख दिया है। अगर आप ओवरनाइट भिगोकर ना रख सकें तो 4 से 6 घंटे के लिए भिगोकर भी आप इन सबको इस्तेमाल कर सकते हैं। और व्यूवर्स, गंदम जो हम इस्तेमाल करते हैं हलीम के लिए, वो आजकल बाज़ार से बड़े आसानी से मिल जाती है, आप वहाँ से ख़रीद कर ही इस्तेमाल कर सकते। कौरमा जो हम हलीम के लिए बनाएंगे, आप उनके जो इंग्रेडिएंट हैं वो नोट कर लें। मटन 1/2 किलो बोन के साथ, और अगर हड्डियों के बगैर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपका मटन 300 से 400 ग्राम होना चाहिए। ऑयल 1 कप, प्याज 1 बड़ा स्लाइस किया हुआ, अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून, लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, पीसी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, धनिया पाउडर 1 टीस्पून, जीरा पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पिसा हुआ 1 टीस्पून, साबित गरम मसाला 1 टीस्पून, पिसी हुई हल्दी 1 टीस्पून, साबित सब्ज़ इलायचियाँ 3 अदद, हलीम स्पाइस मिक्स 1 टीस्पून। ये स्पाइस मिक्स जो है वो ऑप्शनल है। पानी हसबे ज़रूरत, योगर्ट 1/2 कप। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर को चूल्हे पर रख दिया है और आंच को मीडियम कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें ऑयल को डालेंगे। और साथ ही प्याज़ों को डालकर अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे। व्यूवर्स, ये जो प्याज मैं यहाँ इस्तेमाल कर रही हूँ, इनमें से 1/2 फ्राई किए हुए प्याज़ों को हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे और 1/2 को बाद में हम कोरमे में डालेंगे। प्याज है हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब मैं इन्हें निकाल लेती हूँ। मैंने फ्राइड प्याज को बाहर निकाल लिया है। अब इसमें से 1/2 जो है हम बाद में कोरमे में डालेंगे और 1/2 हम गार्निशिंग के लिए रखेंगे। और ये जो ऑयल है, इसी ऑयल में हम अब कोरमा बनाना शुरू करते हैं मटन का। सबसे पहले मीडियम हीट पर आप ऑयल को थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर इसमें ये अपने मटन को डालकर थोड़ी देर के लिए ऑयल में भून लिया है। अब आप इसमें ये जिंजर, अदरक, लहसुन जो है और हरी मिर्चें जो है वो डालकर इसको भूनें थोड़ी देर अच्छी तरीके से, ताकि इसमें जो गोश्त की हीट होती है वो ख़त्म हो जाए। मटन को मैंने अदरक, लहसुन और ग्रीन चिलीज के साथ अच्छी तरह से भून लिया है। अब आप इसमें ये ड्राई स्पाइसेस को ऐड करें और साथ ही ये जो फ्राई किए हुए हमने अनियन रखे थे ये भी आपने ऐड कर लेने हैं। हाफ आपने ऐड करने हैं और हाफ आपने गार्निशिंग के लिए रखना है। मटन जो है वो मसालों के साथ अच्छी तरीके से भून गया है। अब आप इसमें ये योगर्ट को ऐड कर दें। योगर्ट को ऐड करके भी आपने अच्छी तरीके से इसे भूनना है। दही के साथ ये मैंने गोश्त को अच्छी तरीके से मज़ीद पका लिया है। अब आप इसमें इतना पानी डालें कि ये 2 इंच ऊपर आ जाए गोश्त के। मैं यहाँ पे ये 1 लीटर पानी डाल रही हूँ। अब आप इसे कवर करके प्रेशर कुकर को 30 से 40 मिनट के लिए लो हीट पर पका लें।
या इतना पकाएं कि जो आप मटन का जो मीट पार्ट है वो आसानी से हड्डियों से अलग हो जाए। आधा घंटा हो चुका है और मैंने कुकर को खोल लिया है और गोश्त जो है हमारा बिल्कुल गल गया है, ये देखें। अब मैं इस गोश्त को बोन से अलग करती हूँ और फिर आपसे मिलती हूँ। ये बोटियों को मैंने हड्डियों से अलग कर लिया है। अब इन बोटियों को हम कोरमे के बचे हुए पानी में दोबारा से पका लेते हैं कुछ देर तक। कोरमे का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है, आपने देखे व्यूवर्स इतना ही खुश्क करना है। अब आप जो आपने दालें भुगो कर रखी हुई थी वो इसमें ऐड कर लें। दालों में यहाँ हाफ कप पानी ऑलरेडी डला हुआ है, घी में भी और गंदम में भी। इसमें अब आपने 1 टीस्पून तो नहीं, 1/2 टीस्पून आप नमक डालें और 1/2 टीस्पून पिसी हुई रेड मिर्च और 1/2 टीस्पून गरम मसाले को ऐड करना है आपने। और साथ ही इसमें मैं यहाँ डाल रही हूँ 1 लीटर पानी। अब इसे 45 मिनट से लेकर 1 घंटे तक प्रेशर कुकर में पका लें मीडियम आंच पर। 45 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो है हलीम की हमें इतनी कंसिस्टेंसी चाहिए ये यहाँ पर। इसके बाद 45 मिनट के बाद आप बंद कर दें चूल्हे को, बंद कर दें और किसी ब्लेंडर की मदद से इसे ब्लेंड कर लें। मैंने हलीम को अच्छी तरीके से ब्लेंड कर लिया है। मुझे थोड़ी सी गंदम खड़ी खड़ी पसंद है इसलिए मैंने इसे इतना ही ब्लेंड किया है। अगर आपको ज़्यादा बिल्कुल पिसा हुआ हलीम अच्छा लगता है तो आप इसे और अच्छे तरीके से ब्लेंड कर लें। और हलीम की कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए। अगर आपके पास ब्लेंडर नहीं है तो फिर आप किसी चमचे की मदद से इसे इस तरीके से अच्छी तरह से घोट लें। हलीम के तड़के के लिए आप एक पैन में थोड़ा सा ऑयल लें, उसे मीडियम हीट पर गर्म कर लें और पहले से जो फ्राई किए हुए प्याज पड़े हैं उनमें से ही थोड़े से प्याज आप इनमें लें और चूल्हे को इसको गर्म कर लें अच्छी तरीके से और फिर इसे हलीम में डालकर तड़का लगा लें। आने के बाद शाही मटन हलीम बिल्कुल तैयार है। मैं इसकी कंसिस्टेंसी एक बार फिर आपको चेक करवा देती हूँ। अब इसके बाद मैं इसे गार्निश कर लूँगी थोड़े से लेमन के साथ, जिंजर के साथ और ग्रीन चिलीज के साथ, पुदीने और धनिया के साथ, फ्राइड किए हुए प्याजों के साथ और थोड़े से गरम मसाले के बाद। तो मैं इसे गार्निशिंग करती हूँ अपने हलीम की और फिर आपसे मिलती हूँ। मज़ेदार हल्दी लजीज शाही मटन हलीम तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।